प्रश्न मेरा विधानसभा में लगा था लेकिन आ नहीं पाया। हमारे झज्जर शहर में स्वतंत्रता सेनानी के नाम से पार्क हैं बहुत सारे। मेरा प्रश्न लगा था कि हमारे राव मंगली राम जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम से पार्क, माथुराम जी स्वतंत्रता सेनानी जी के नाम से पार्क, शहीदी पार्क की उनसे बद से बदतर हालत है। और मंत्री जी ने जवाब दिया द कंडीशन ऑफ दीज पार्क इज सेटिस्फैक्ट्री। एक तो मैं जानना चाहती हूँ अगर मंत्री महोदय की तरफ से इस तरह से गलत जवाब दिए जाएंगे तो सरकार और मंत्री के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे। जिस दिन मेरा प्रश्न लगा था उसी समय हमने ये फोटोग्राफ्स मंगवाई थी, उसी समय की टाइम और डेट इस पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ राव मंगली राम पार्क, स्वतंत्रता सेनानी राव मंगली राम पार्क के स्टैचू पे ऊपर किसी ने ट्री गार्ड डाल दिया, आवारा पशु उसमें घूम रहे हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप दे रहे हैं बार बार। ये शहीद पार्क, तो क्या हमारे शहीदी पार्क या दुर्दशा बदहाली वहां पर देख लें, कितनी बुरी हालत वहां पर है। ये हमारा टाउन पार्क और ये उसके बाद हमारा चौधरी माथुराम स्वतंत्रता सेनानी पार्क जिसके की बोर्ड पे से सारे के सारे नंबर हटे हुए हैं, बदहाली है, कूड़े के ढेर लगे हुए, पशु आवारा पशु जा रहे हैं वहां पर। ये चौधरी माथुराम पार्क, ये देखिए पशु, ये उसी दिन का डेट और टाइम के साथ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। तो मैं केवल जानना चाहती हूँ ये, और पंडित श्री राम पार्क हमारे शहर के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर और ऐसा महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से था, प्रशासन की गलतियों की वजह से उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जिससे कि झज्जर शहर में इस समय बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। और मुझे उसके बाद दुख इस बात का है सरकार की ओर से, विभाग की ओर से गलत जवाब दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कंडीशन सही है, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो आर में, क्योंकि हमारा प्रश्न नहीं लगा, आपने सही जवाब यहाँ पर नहीं मिले। हमने सड़कों की बदहाली का यहाँ पर उठाया, हम प्रश्न लेकर आए, हमने ये कहा कि हमारे यहाँ पर सड़कों की बद से बदतर हालत है। मेरा प्रश्न लगा, जवाब आया कि सड़कों की हालत सही है, उसके भी हमने फोटोग्राफ्स रखे। हमारे झज्जर शहर के साथ पूरी तरह से जो है सरकार भेदभाव करने का काम कर रही है। आज मेरा प्रश्न लगा था ओल्ड बस स्टैंड को लेकर कि पुराना बस स्टैंड 8 साल पहले हमारी सरकार ने नया बस स्टैंड झज्जर में बना दिया गया था, पुराने बस स्टैंड पर बद से बदतर हालत है। और मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वहां पर कोई बदतर हालत नहीं है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हमारे झज्जर शहर के अंदर जो पुराना बस स्टैंड है वहां पर आवारा लोग घूमते हैं, आवारा पशु घूमते हैं, वहां पर इतने मर्डर हो चुके हैं, अनवांटेड टाइप के लोग घूमते हैं। मैंने लगातार 4 बार 5 बार ये विधानसभा में प्रश्न लगाने का प्रयास किया और दुख की बात यह है कि जवाब दिया गया है कि वहां पर कोई कंडीशन बुरी नहीं है। जब वो बस स्टैंड की जगह है, नई बस स्टैंड हमारा बन चुका है, तो क्या वहां पर सरकार जो है कोई मल्टी लेवल पार्किंग या कम्युनिटी सेंटर वहां पर बनाने का काम करेगी। और बार बार हम लोग जो है अपने क्षेत्र की मांग करते हैं। मेरा कहना केवल यह है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवारों के नाम से हमारे समय में बनाए गए पार्कों के साथ भेदभाव, ऊपर से गलत जवाब, तो इसकी जवाबदेही जो है पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। और हमारा पंडित श्रीराम पार्क जो बना था डेमोलिश कर दिया गया है, उसकी जवाबदेही फिक्स करके अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। हमारे पूरे हल्के में, पूरे जिले में मेरा गांव मेरा बगिया के नाम से पूरे पार्क बनाए गए, जैसे ही सरकार बदली वहां पर झूले तक भी लोग जो है उठाकर ले गए हैं। इसके बाद जो है एक मेरा प्रश्न लगा था बैकलॉग ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस पे, अनस्टैड में रिप्लाई 6 लाइन का मेरा क्वेश्चन था, रिप्लाई आया 3 लाइन में और वो भी गलत की, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का कोई भी बैकलॉग की स्थिति जो है उसमें क्लियर नहीं की गई। तो ये तो सुनिश्चित किया जाए कि जो विधानसभा के पटल पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय द डिपार्टमेंट, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा हरियाणा जो है आज हमारा क्राइम में नंबर 1 होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 होता जा रहा है, धरना प्रदर्शन हमारे सरपंच पंच करते हैं, चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर जिस तरह से लाठी चार्ज किया जा रहा है, जिस तरह से मुकदमे बनाए जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय कड़े शब्दों में हम उनकी निंदा करते हैं। क्या कारण है कि पहले तो 2 साल तक सरकार कोर्ट का बहाना लगाकर चुनाव नहीं करवा पाई, आज जब जिला में हमारे जिला परिषद ब्लॉक समिति सरपंच पंच चुने हैं तो उनकी पावर्स को लिया जा रहा है। क्यों ये जो चुने हुए नुमाइंदों को जो है क्यों चोर और भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, तो इसका भी हमें जवाब चाहिए। पंच सरपंचों का मान सम्मान पूरी तरह से होना चाहिए। क्राइम में नंबर 1 हमारे यहाँ पर जो है असुरक्षित हरियाणा जो है हमारी घोषणा हो गया है,
मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, बहन बेटियां खाप पंचायतें राजनीतिक संगठन धरना दे रहे हैं, सारे के सारे अखबार पढ़े हैं कि हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं करते, लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौशल रोजगार के तहत, सक्षम के तहत हमारे युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, रेगुलर भर्तियां नहीं दी जा रही है। आज यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर अपराध बढ़ता जा रहा है। एक हमारा हरियाणा का हिस्सा जो चंडीगढ़ में है, जिसमें हमारे यूटी में हमारा शेयर था 80% यूटी का, 20% में हरियाणा और पंजाब का था, इसमें जो है इन्होंने 15% कर दिया, हमारी डेपुटेशन खराब की जा रही है। पहले भी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था। अध्यक्ष महोदय, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें हमारे राइट को, जो डेपुटेशन कर्मचारी हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करने का काम जो है पूरी तरह से करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक सेकेंड, ये जो हम